हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास फिफ्थ हिंदी फर्स्ट 14 चैप्टर सेकंड लेक्चर। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। बेटा, आपने हामिद की कहानी सुनी। हामिद जब वो ईदगाह जाता है तो सभी बच्चे कुछ ना कुछ खरीदते हैं। वो देखता रहता है और वो ये सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो सम्मी उससे कहता है कि वो सम्मी कहता है 3 पैसे ही तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। सभी उसका मजाक बनाते हैं। तो वो लोहे की दुकान पर जाता है और वहाँ पे कई चिमटे रखे होते हैं। तो हामिद को याद आती है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। वो तवे से रोटियाँ उतारती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा ले लूँ तो दादी खुश हो जाएंगी और उनकी उंगलियाँ भी नहीं जलेंगी। तो वो ये सोचकर उससे पूछता है कि ये चिमटा कितने का है। तो दुकानदार कहता है कि 6 पैसे का है। तो वो 6 पैसे सुनकर वो परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे पास तो सिर्फ 3 ही पैसे हैं, 6 पैसे का कैसे ले पाऊँगा। तो हामिद कलेजा मजबूत करके उससे कहता है दुकानदार से कि 3 पैसे का दोगे। तो दुकानदार उसको 3 पैसे का इतना कहते ही वो आगे निकल आता। वो सोचता ये तो देगा नहीं 3 पैसे का। तब दुकानदार उसे वापस बुलाकर उसको चिमटा दे देता है। तो हामिद उसको कंधे पर रख लेता है जैसे बंदूक रखी हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के साथ चला आता है। दोस्त उसका मजाक भी बनाते हैं कि ये चिमटा क्यों ले आए, पागल हो क्या, इससे क्या करोगे। तो हामिद कहता है ज़मीन पे पटक के, अरे भिस्ती और ये ज़मीन पर गिरा दो तो सब टूट जाएंगी। लेकिन ये चिमटा ऐसा है कि ये टूटेगा नहीं। हामिद खिलौना उससे सब पूछते खिलौना क्यों नहीं लिया। वो कहता है कि नहीं यही सही है, ये कभी टूटेगा नहीं। और वो कहता है ऐसे मजाक करता है कि एक चिमटा जमा दूँ तो लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। वो अपने मन को बेटा समझाता है और सबने तरह तरह के खिलौने लिए। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो वो उसकी दादी देखती हैं तो वो उससे पूछती हैं कि चिमटा कहाँ से ले आए। तो वो कहता है मैंने मोल लिया। तो उसकी दादी सोचती हैं कि इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे, कहाँ से ले आया। तो वो कहती हैं 3 पैसे। वो कहता है हामिद 3 पैसे का। तो अमीना ने छाती पीट लिया और कहती कैसा पागल लड़का है कि इसने कुछ भी ना खाया पिया और इस सारे पैसों का ये चिमटा ले आया। हामिद देखता रहता है और वो सोचता है कि उसने सोचा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने उसे ले लिया। दादी का गुस्सा स्नेह में बदल जाता है और दूसरों को खिलौने लेते समय, मिठाई खाते समय इसका मन कितना ललचाया होगा। उसकी दादी ये सोचकर परेशान हो जाती हैं। उसने सोचा, उसने इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन खुश हो जाता है। बेटा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से इसमें बेटा आप लोगों ने देखा कि हामिद कितना समझदार था। उसने अपने बचपन में भी हमें सूझबूझ से काम करना चाहिए। उसने देखा कि उसने चिमटा लिया और बच्चों ने खिलौने लिए। अब आपका बेटा ये लेक्चर फिनिश होता है। आप लोग चैप्टर रीडिंग लगाइएगा और होमवर्क अपना नोट कीजिए। ये बेटा आपका होमवर्क है। ईद पर सबसे ज़्यादा कौन प्रसन्न थे, हामिद के पास कितने पैसे थे, हामिद किसके साथ ईदगाह जा रहा था, दुकानदार ने चिमटे की कितनी कीमत बताई। आप लोग चैप्टर रीडिंग लगाइएगा और ये आंसर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी रफ कॉपी पे लिखना है बेटा। और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।